देखिए, दिवाली की रात को एक लड़की जो 4 साल की थी, उसके साथ दुष्कर्म प्लस मर्डर की जो घटना थी, उसका आज जी अनावरण किया जा रहा है। 2 दिन के अंदर में पुलिस ने इसका अनावरण किया है। इसी गांव के रहने वाले जी इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो कहानी समझ में आई है, वो कहानी ये है कि इनकी माँ के साथ में इनके प्रेम संबंध थे पहले। माँ ऑब्वियसली 25-30 दिन पहले जो है वहाँ से चली गई थी, जी तो दिवाली के दिन इन्होंने कुछ शराब वगैरह पिया और उसके बाद में इनका जो है मन किया, तो वहाँ पर बच्चे सो रहे थे और उनके साथ में कोई भी नहीं था। तो उसमें ये जो बच्ची थी, इसको इन्होंने ले आके बगल में कमरे में करने की कोशिश की। उसी में बच्ची ने कुछ आवाज़ करने की कोशिश की, इसी में इनका गला दबा के एस्फिक्सिया से उसकी डेथ पोस्टमार्टम में भी रही है। और उसके बाद में जो उसकी बोरी थी जिसमें बच्ची थी, उसको जो पड़ोसी था उसके घर पे डाल दिया गया था, क्योंकि धनतेरस पे इनकी उनसे लड़ाई भी थी। तो रंजिश के इसमें मामले को डायवर्ट करने के लिए मामला डाला गया था, तो इसका अनावरण किया गया। अब आगे जो DNA एविडेंसेस हैं और भी सारी एविडेंसेस हैं, उसके बेस पे आगे भी निकल रहा है। तो जो सब फेंका गया था, क्या मामले को गुमराह करने के लिए किया गया था? हाँ, ये धनतेरस पैसा जो पता चल रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, तो उसी को देखते हुए डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पर किया गया था। बट अब इसमें आगे जो एविडेंसेज हैं हमारे पास में, जो डेली DNA एविडेंसेज, भौतिक एविडेंसेज हैं, उनके बेस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई के बीच में कंप्लीट। थैंक यू।